अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शाओमी मी नोट 10 के बारे में और इसके जो स्पेसिफिकेशन है, कुछ लीक्स वगैरह जो हमारे सामने आ गए हैं। और आज हम इस वीडियो में इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि स्मार्टफोन की जो है प्राइस पाकिस्तान में क्या होने वाली है। और ये स्मार्टफोन जो है कैमरा स्पेशलिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें दुनिया का पहला ऐसा कैमरा जो कि पेंटा कैमरा बैक पर दे रहा है। और यहाँ पर जो है आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो फुल डिटेल से बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके हाइलाइटेड फीचर की। तो यहाँ पर जो है हमें बैक पर पेंटा कैमरा यानी कि 5 कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला जो कैमरा है वो बहुत ही बड़ा दिया गया है, जो कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कि वाइड एंगल के तौर पर काम करेगा। और इसका अपर्चर जो है f1.7 दिया गया है। और अगर दूसरे कैमरे की बात करते चले तो हमें जो है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि डुअल पिक्सल है, और 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के तौर पर काम करेगा। चौथा कैमरा जो है हमें 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। और पांचवा जो कैमरा है डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में जो है हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरे के लिहाज से यह स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का होने वाला है, यहाँ पर नंबर 1 होने वाला है कैमरे के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें बहुत ही अच्छे अच्छे कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है। रैम और रोम वेरिएंट की बात कर ली जाए तो यह स्मार्टफोन जो है हमें 6 GB के साथ 64 GB, 8 GB के साथ 128 GB और 12 GB के साथ 256 GB की इंटरनल स्टोरेज जो है प्रोवाइड करता है। सुपर एमुलेट का डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका साइज 6.5 इंचज है और रेजोल्यूशन जो है 1080 पिक्सल की दी गई है। और यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन के तौर पर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया है वो HDR10+ की सूरत में जो है हमें स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें ऑक्टा कोर का CPU दिया गया है, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G की जो है चिपसेट यह स्मार्टफोन में देता है, और जो GPU दिया गया है वो Adreno 618 का है। तो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पर Xiaomi ने जो है पैसा बचाने की कोशिश की है। और यह स्मार्टफोन जो है OS Android 9 Pie के ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेगा, जिसमें MIUI 11 दिया जाएगा। और यह स्मार्टफोन जो है टाइप सी को सपोर्ट करता है। इसमें जो है फिंगरप्रिंट हमें अंडर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैटरी कैपेसिटी की बात करते चलें तो इसमें जो है हमें 5170 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ यह स्मार्टफोन जो है फास्ट चार्जिंग वो भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की। अगर यह स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान में आता है तो इसकी प्राइस क्या होगी। इसकी जो एक्सपेक्ट की जा रही है पाकिस्तान में प्राइस लगभग 70-75,000 rupees के दरमियान में। और यह स्मार्टफोन इसी प्राइस में आता है तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो प्रोसेसर जो है लो दिया गया है। अगर स्नैपड्रैगन 845 या फिर 855 का दिया जाए तो ये एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन जो है हमारे सामने निकल कर आता। लेकिन यहाँ पर जो है ये स्मार्टफोन कैमरा स्पेशलिस्ट बनाया गया है, जैसा कि हमें सैमसंग गलेक्सी S11 में बताया जा रहा है कि हमें वहीं पर जो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और लगभग अगर उसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो वो जो है हमें 1 lakh से अबव में देखने को मिल जाता है, और Xiaomi जो है हमें उससे भी कम प्राइस में यह स्मार्टफोन देता है। दोस्तों लॉन्चिंग डेट के हवाले से स्मार्टफोन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। तो जब तक कोई भी न्यूज़ या फिर अपडेट वगैरह सामने आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।